Today, I'm going to cover one of the most important poem, Dour Beach by Matthew Arnold. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ Dour Beach को, जिसे लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने. Dear students, आज की वीडियो में मैं इसके लाइन वाइज एनालिसिस करूंगी ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. ये पॉइम बेसिकली 1867 के अंदर इसको पब्लिश किया गया और मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखा. मींस के स्पीकर जो है वो स्पीक करते हैं और ऑडियंस जो है वो आराम से सुनती है, लिसन करती है. हम स्टार्ट करते हैं इसकी लाइन वाइज एनालिसिस. द सा इज़ काम टू नाइट, जो समंदर है वो फुल खामोश है. द टाइड इज़ फुल, और जो लहरें हैं वो फुल हैं. मून लाइज फेयर, और जो चाँद है वो बिल्कुल बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल फेयर है. अपॉन द स्टेट्स के ऊपर, ऑन द फ्रंच कॉ द लाइट, और फ्रांस के किनारों पे जो रोशनी है ग्लीम्स एंड इज गोन, चमकती है और फिर चली जाती है. यानी फ्रेंच कोस्ट के ऊपर, फ्रांस के किनारे के ऊपर लाइट चमकती है और फिर गायब हो जाती है. द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड्स, और इंग्लैंड के क्लिफ्स के ऊपर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इंग्लैंड के पहाड़ियों के ऊपर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ग्लिमरिंग एंड वास्ट, ग्लीम करते हैं, चमकते हैं और बहुत फैली हुई हैं. आउट इन द ट्रैंक्वल बाय, ट्रैंक्वल बाय में जो है बहुत चमक रही हैं. ये ट्रैंक्वल बाय खामोश पानी जो है वो बहुत ज़्यादा, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो चमक रही हैं और फैली हुई हैं. आउट इन द ट्रैंक्वल बाय, ट्रैंक्वल बाय के बाहर, यानी खामोश पानी के बाहर. देन वो क्या कहते हैं, कम टू द विंडो, विंडो के पास आओ. यानी यहां पर क्या है, मींस के घर का वो बताया गया है कि कम टू द विंडो, इन विंडो लगी हुई, विंडो विंडो की तरफ आओ. स्वीट इज द नाइट एयर, और कितनी मीठी है ये रात की हवा. ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, अब वो इशारा कर रहा है जो ये लाइन बन रही है, यानी झाग की जो ये लाइन बनी हुई है, झाग की सी जो लाइन बनी हुई है. वेयर द सा मीट्स द मून ब्लेंच्ड लैंड, बहुत खूबसूरत बात कि जहाँ पर जो समंदर है वो किसके साथ मिल रहा है, मून ब्लेंच्ड लैंड के साथ. इन चांद की वजह से जो वाइट लाइनें बन जाती हैं, वाइटनिंग आ जाती है, वो जो है किसके साथ मिल रहा है, समंदर के साथ मिलते हैं. लिसन, सुनो. यू हेयर द ग्रेटिंग रॉय, क्या आपको ये शोर सुनाई दे रहा है. और पेबल्स, किस चीज़ का शोर, पेबल्स का, कंकरियों का, जो बेसिकली समंदर के किनारों पे पड़ी होती है वो. विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, जो के जिसको लहरें साथ ले जाती हैं, बहा के ले जाती हैं और फिर वापस ले आते हैं. फ्लिंग मीन्स के वापस ले कर आना. यानी वो आपको शोर सुनाई दे रहा है पेबल्स का, जो वो किंकरियाँ होती हैं उसका, जिसे वेव्स अपने साथ बहा के ले जाते हैं और फिर वापस ले आते हैं. नेक्स्ट क्या कहते हैं, एट देयर रिटर्न, और उनकी वापसी पे अप द हाई स्टैंड बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन्स. एक हाई स्टैंड जो है वो शुरू हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा दोबारा जो है वो शुरू हो जाता है. विद अ ट्रिमलेस कैडनेस स्लो एंड ब्रिंग, और ट्रिमलेस कैडनेस के साथ यानी एक रिधम सी आती है एंड ब्रिंग, और वो लाती हैं. यानी ट्रिमलेस का मतलब होता है लरजाना, और कैडेंस का मतलब होता है रिधम टाइप. लाइक इससे जो वो किंकरे को बहा कर लेके जाना, वापस आना, तो एक रिधम सी पैदा होती है, स्लो सी, एंड ब्रिंग, और लाती है द अटर्नल नोट्स ऑफ सैडनेस इन. और वो जो शोर है ना, ये पेबल्स का जो शोर है, ये क्या लाती है, एक अटर्नल नोट्स ऑफ सैडनेस लेके आती है. यानी एक उदासी लेके, एक अवधि उदासी जो है वो लेकर आती है. स्फोकुलोस लॉन्ग अगो, इसके बाद पोएट कह रहे हैं स्फोकुलोस लॉन्ग अगो, जो स्फोकुलस थे एक यानी राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, वो उसने बहुत अरसा पहले हियर्ड इट ऑन द एजिन, एजिन है एक समंदर का नेम, कि वहाँ पर उसने ये आवाज़ सुनी होगी. एंड इट ब्रॉट, अभी कौन सी आवाज़ की बात हो रही है, वो जो पेबल्स की आवाज़ है ना, ये उसने सुनी होगी. एंड इट ब्रॉट, और ये इन टू हिज माइंड, और ये जो आवाज़ है वो लेके आई होगी इसके माइंड के अंदर, द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी. यानी ये जो आवाज़ है, इससे उसके माइंड के अंदर ह्यूमन मिजरी, और जो ये झाग का सा जो पानी है, इसके दरमियान कनेक्शन आया होगा कि ये ह्यूमन मिजरी और जो ये झागनुमा पानी है, इनके दरमियान कोई कनेक्शन है. ये बात स्फोकुलोस के माइंड में आई होगी जब वो एजिन के किनारे पे खड़ा होगा. फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट, और पाया वो उसने ये आवाज़ एक ख्याल, हेयरिंग इट बाय द डिस्टेंस नॉर्दर्न सार, जो कि इसने जो है वो नॉर्दर्न सा समंदर, नॉर्दर्न का जो सा है, समंदर है, उस पर से जो ये आवाज़ सुनी है, जो हम पा रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो चीज़ उसने भी वो महसूस की होगी. किसने, स्फोकुलोस ने. द सा ऑफ फेथ, और फेथ का जो समंदर है, यानी ईमान का जो समंदर है, वाज वंस टू, वो
वो बिल्कुल फुल था, यानी एक टाइम ऐसा था जो कि ईमान का, फेथ का जो समंदर था वो फुल था, एंड राउंड द अर्थ शोर्स, यानी ज़मीन के किनारे पर जो ईमान का समंदर था वो फुल था, एक टाइम ऐसा था। ले लाइक फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल फर्लिड, और ये जो ग्रिडल फर्लिड है ये बिल्कुल ब्राइट थे, यानी बिल्कुल रोशन थे, समंदर था वो टोटल रोशन था, वो फुल था। बट नाउ आई ओनली हेयर, लेकिन अब मैं सिर्फ सुन रहा हूँ इट्स मेलनकली, इसकी उदासी, लॉन्ग विदड्रॉइंग रोयर, यानी इसके शोर से जस्ट मुझे उदासी ही महसूस हो रही है, उदासी ही नज़र आ रही है, उदासी ही सुन रहा हूँ मैं। रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड, और ये रिट्रीट करता है टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड, रात की हवा के साथ, डाउन द वास्ट एज डियर, और ये जो एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ड्स, और ये जो किनारा है टोटल क्या हो गया, अब नेक्ड हो गया, यानी पहले ये समंदर भी फुल था फेथ का, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। डाउन द वास्ट एज, जो किनारे हैं ये टोटल, जो दुनिया के किनारे हैं टोटल नंगे हो रहे हैं, नेक्ड हो रहे हैं, नेक्ड शिंगल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। देन क्या कहते हैं ये लास्ट की कुछ लाइन्स हैं, आह लव लेट अस बी ट्रू, आह लव, हम एक दूसरे के लिए सच्चे हो जाते हैं, टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए सच्चे हो जाते हैं, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, और वो दुनिया जो नज़र आती है, टू लाइज बिफोर अस लाइक अ ड्रीम, लैंड्स ऑफ ड्रीम, यानी ये एक लैंड ऑफ ड्रीम जो हमारे माइंड में इस दुनिया के बारे में कंसेप्ट बना हुआ है, सो वेरी, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, जो कि बहुत खूबसूरत सा कंसेप्ट है, बहुत खूबसूरत नया सा वेराइटीज़ हैं, हैथ रियली नैदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, ये जस्ट ड्रीम है, सच्चाई इसमें नहीं है, ये टोटल झूठ है, ना ही इसमें कोई खूबसूरती है, ना इस दुनिया में कोई खुशी है, ना इसमें कोई प्यार है, ना इसमें कोई रोशनी है, यानी इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें जो हमारे माइंड में एक ड्रीम बना हुआ है, यानी एक हमारा माइंड बना हुआ है, एक ख्वाब जैसी दुनिया हमें नज़र आ रही होती है, एक ख्वाब जैसी दुनिया हम देख रहे होते कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, प्यारी है, नई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस, यानी इस दुनिया में ना ही कोई सर्टिट्यूड है, ना ही कोई सर्टेनिटी है, ना ही कोई अमन है, ना ही कोई मददगार है, फार पेन, इन जो तकलीफ में है उसके लिए कोई मददगार भी नहीं है, यानी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, यानी इसमें कोई खुशी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई रोशनी कुछ भी नहीं है, कुछ सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है, जस्ट जो हम सोच रहे थे वो जस्ट ड्रीम होता है, जस्ट वो ख्वाब है। एंड वी आर हेयर ऑन अ डार्किंग प्लान, और हम यहाँ पर हैं एक डार्किंग प्लान के ऊपर, यानी जहाँ पर, यानी यहाँ उस जगह पर हैं जहाँ पर अंधेरा बढ़ रहा है, स्वेप्ट विद अ कन्फ्यूज अलार्म ऑफ द स्ट्रगल एंड फ्लाइट, जहाँ पर जस्ट स्ट्रगल है, कोशिश है, दूसरे के साथ लड़ाई है और कुछ भी नहीं, वी आर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और जहाँ पर इग्नोरेंट आर्मीज हैं, जहल आर्मी है, वो आपस में क्या कर रही है, जस्ट लड़ रही है एक रात के अंधेरे में और कुछ भी नहीं है। सो इस लाइन्स में पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे के अपने लवर से कह रहे हैं, बिलड से कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए सच्चे हो जाते हैं, जो दुनिया का ख्वाब हम देख रहे हैं कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस दुनिया में फेथ कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में कोई लव नहीं है, कोई रोशनी कुछ भी नहीं है, जहाँ पर हम खड़े हैं वो वहाँ पर और अंधेरा बढ़ रहा है, और यहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं, यानी इन सिंपल कि वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो फेथ है, ईमान है, वो टोटल ख़त्म हो चुका है, जस्ट हर जगह पर तकलीफें ही तकलीफें हैं, दूसरे के साथ लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी पोएम, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये पोएम टोटल क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।